हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वही ब्रिज है जो कि लगभग 12 साल पहले काम स्टार्ट हुआ था, आज तक नहीं हुआ ये कंप्लीट। तो चलिए मैं इसका नीचे वर्क दिखाऊंगा, ऊपर में तो ऐसा कुछ है नहीं। देख सकते हैं आप कि बेहतर पूरा घेरा हुआ है, एक रोड बना हुआ है, ढलैया किया हुआ है इस तरीके से, आप बेहतर इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए मैं आपको पूरा नीचे चल करके दिखाऊंगा और पूरा वर्क अपडेट दूंगा। तो वैसे आप एक सीध में देख सकते हैं कि मतलब ज्वाइंट का भी काम कंप्लीट है और साइड में भी जो साइड वॉल का काम होता है वो भी कंप्लीट है और रेलिंग का भी काम किया जा चुका है। मैं आगे चलूँगा, आपको दिखाऊँगा आपको कि पुल का काम कहाँ तक हुआ हुआ है और कहाँ तक इसका ढलैया किया हुआ है। इसमें तो सेगमेंट लॉन्चिंग या फिर गडर लॉन्चिंग का मसला तो है नहीं, तो देखता हूँ कहाँ तक ढलैया हुआ हुआ है। और इस तरीके से देख सकते हैं आप कि कहीं कहीं पर ज्वाइंट का काम कंप्लीट है, मतलब फिल किया हुआ है, और यहाँ पे जैसे कि नहीं है। और अभी भी इसमें 1.5 साल 2 साल आराम से लग सकता है क्योंकि आगे का कंडीशन आप देख करके आप भी बोलिए कि वाकई में सही है। और वो हमारा कृषि भवन है नया, और अभी इस रास्ते से आना जाना होती थी, फिर अभी इसे हटा दिया गया है। देखते हैं आगे चल के। तो काम देख रहे हैं कि बहुत दूर तक खींचा हुआ है, लेकिन अभी ऑपरेशनल होने में भी टाइम लगेगा। और इसमें जो है कि ना ही कंपनी का नाम का कहीं जिक्र है, ना ही इसका प्रोजेक्ट का जिक्र है, ना ही कॉस्ट का जिक्र है, कि ये इतना डिले हो चुका है कि। लेकिन अपडेट का जिक्र होगा मेरे ज़रिए, जो कि मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ तक जो है कि पटना जंक्शन जो करबिगहिया कहलाता है, वहाँ से थोड़ा सा पहले तक ढलैया काम हुआ हुआ है और उसके बाद फिर ढलैया का काम बाकी है, लेकिन आगे चल करके मैं दिखाऊँगा। और देखिए इस तरीके से पूरे अच्छे तरीके से मतलब काम हुआ हुआ है, 10% 15% काम बाकी होगा, लेकिन इस तरफ जो है कि बहुत ज़्यादा काम बाकी है। तो काम का ऐसा सिलसिला है कि ये सब आ करके और यहाँ पे एक गोलंबर बनेगा और उधर का जो है कि उस साइड जोड़ दिया जाएगा, और इस साइड से जो आ रहा है मतलब तो इस साइड से राजेंद्र नगर से जो आ रहा है सबको जोड़ करके यहाँ पर फिर उसी में मिला दिया जाएगा, एक बड़ा गोलंबर यहाँ पर भी हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। मैं एक छोटा सा वीडियो के जरिए आपको एक छोटा सा अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो आपको सामने पियर दिख रहा है ये राजेंद्र नगर साइड से आ रहा है, इसे ही वहाँ से उठाते हुए और जो है कि इस सब में जोड़ दिया जाएगा और फिर गाड़ी ऊपर से ऊपर चली जाएगी। चलिए अब मैं वीडियो को एडिट करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में आपसे मिलूंगा किसी और नए अपडेट के साथ। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए।